इस्लाम फॉर ऑल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को दबाइए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहे। जज़ाकअल्लाहु खैर। रिस्क का पाक होना ये बहुत जरूरी है, इस तरह नजर की पाकीज़गी। अगर नजर पाक नहीं है तो इबादत की लज्जतें ही नसीब नहीं हो सकती, इबादत का सुरूर ही नहीं आ सकता। नमाज पढ़ने का एक हज है, लुत्फ है, वो लुत्फ नसीब ही नहीं हो सकता। बंदा अल्लाह के हुजूर पेश हो रहा हो तो वापसी जब आए तो उसके ऊपर एक कैफियत होनी चाहिए, एक बातन में सरशारी होनी चाहिए। बंदा किसी बड़े शख्स से मिले तो कई दिन तक उसका नशा नहीं उतरता कि मैं फलां से मिलकर आया हूं, तो जो रब से मिलकर आए तो उसका भी एक नशा है ना। लेकिन चूंकि उसकी नजर पाक नहीं थी इसलिए वो मुलाकात ही अधूरी रहेगी उसकी, तो उसको उसका सुरूर बातन नसीब ही नहीं हो सका, उसका हज ही नहीं नसीब हो सका। ईमान की एक मिठास है, जेब में पैसे होना तो उसका अपना एक नशा होता है कि मेरे जेब में 5 लाख रुपया पड़ा है। वो आजकल वो बच्चे हैं इस उम्र में, अगर महंगा मोबाइल हो हाथ के अंदर तो उसका एक नशा होता है मेरे हाथ में इतनी कीमत का मोबाइल है। तो जेब में पैसे हो तो उसका एक नशा होता है, हाथ में कीमती मोबाइल हो तो उसकी एक कैफियत होती है, तो सीने में ईमान हो तो उसका एक नशा नहीं होगा। उसकी एक कैफियत, उसकी एक महक, उसकी खुशबू मशाम हस्ती को मुअत्तर करती रहेगी और उसको एक एहसास होगा कि मुझे इतनी बड़ी दौलत दी गई। लेकिन वो क्यों नसीब नहीं होती? इसलिए कि ये तीन चीजें नसीब नहीं होंगी। तो जब अल्लाह उसके रसूल को हर शय से ज्यादा महबूब नहीं जानेंगे, जो अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद नहीं करेंगे, और तीसरा कुफर की तरफ पलटना इतना मुश्किल होगा कि आग में जाना आसान होगा लेकिन कुफर की तरफ जाना मुश्किल होगा। जब तक ये तीन चीजें ना हो तो फरमाया ईमान की हलावत, ईमान की मिठास नसीब ही नहीं होती है। और यहां ईमान तो इतने सस्ते हो गए हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में साल में 10,000 लोग बैरून मुल्क जाने के लालच में अपने आप को मिर्ज़ई लिख देते हैं। इतना सौखा और इतना सस्ता ईमान हो गया है, इतनी मताए अर्जा हो गई है, जबकि ये इतनी मताए अजीज थी कि इसके लिए लोगों ने जाने दी। सहाबा की जिंदगियां देखें, ताबेईन की जिंदगियां देखें, उनकी उंगलियां काट दी, पोर पोर काटा गया और हर बार कहा गया कि इनकार करो, उसने कहा कट जाएंगे इनकार नहीं करेंगे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और चंद टगों के लिए, अच्छा खाता पीता शख्स होता है लेकिन मजीद दौलत की फरावानी के लिए वो अपने आप को मिर्ज़ई लिख देता है। और कितने लोग हैं इस मताए अजीज को जो है वो सस्ता किए हुए हैं। जब तक आजमाया ना गया हो ना तो उस वक्त पता नहीं चलता कि बंदा कहाँ खड़ा है। जहां में तू किसी दीवार से ना टकराया, किसे खबर के तू संगे खारा है या के सुजाज। इकबाल कहता जब टकराएगा ना तू किसी दीवार से फिर पता चलेगा पत्थर है या शीशा है। तो मैं और आप जब किसी मुश्किल में पड़े तो उस वक्त पता चलता है कि हमारा जो है वो ईमान कहां तक मजबूत है। वो एक खातून थी जिसका जिक्र इकबाल ने किया है, तो उसको उन्होंने उठा करके एक अंधे कुएं के किनारे खड़ा किया और खड़ा करके उसके सामने सांपों और बिच्छुओं के टोकरे उस कुएं के अंदर फेंके और फेंक करके कहा कि अब तुझे भी इसमें फेंकना है, ये अंधा और वीरान कुआं है, इसके अंदर बहुत सारे बिच्छू और सांप पहले ही मौजूद थे लेकिन हमने तेरे सामने इसलिए फेंके हैं कि तुम्हें यकीन हो जाए कि इसके अंदर कितने सांप गए हैं तेरे सामने और कितने बिच्छू डाले गए हैं। अब या अपने मजहब से, अपने दीन से मुनहरिफ हो जा वरना धक्का दे देंगे तुझे इसके अंदर। तो उसने कहा मुझे एक रात सोचने के लिए दे दो। तो उसको एक रात सोचने के लिए दी गई और सुबह जब उसको उठा के दोबारा उस कुएं के किनारे पर लाया गया तो उसको कहा बता, उसने कहा फेंक दो। उसने कहा तू रात सोचा नहीं था? कहा मैं सोचने के लिए रात इसलिए नहीं मांगी थी, मैंने रात इसलिए मांगी थी कि मैं जो है वो अपने अंदर को मजबूत कर लूं कि जब मैं इसके अंदर जाऊंगी तो सांप मेरे बदन से चिमट जाएंगे, बिच्छू मेरी बोटियां नोचेंगे और सांप मुझे चारों तरफ से घेर लेंगे, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं अंदर जाके कहीं मुनहरिफ हो जाऊं। तो मैं अपने आप को मजबूत करती रहूं कि जिस नजरिए पे मैं हूं वहां जाके जो है मैं उस नजरिए पे कायम रहती हूं या नहीं कायम रहती हूं। तो मैं और आप जरा तसव्वुर में अपने आप को किसी ऐसे अंधे कुएं के किनारे पे खड़ा करें जिसमें सांप फेंके गए हैं और फिर हमें कहा जाए तो हम किस जगह पे खड़े हैं। अगर
ہم سب کچھ گوارا کریں گے اور ایمان سے منحرف نہیں ہو سکتے، پھر مبارک ہو. اور اگر کمزوری محسوس کرتے ہیں تو پھر ضرور اپنے اندر تقویت پیدا کرنے کی کوشش کریں.